बलादा बाजार के लवन इलाके के तहत आने वाली ढंढनी गांव में बने तालाब से एक बार फिर से रोशनी निकल रही है। जी हां, इससे पहले भी तालाब से रोशनी निकल रही थी, जिसे दिव्य मानते हुए आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। और अब फिर से रोशनी निकलने की घटना आसपास के दर्जनों गाँव में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों को अब तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है। रोशनी निकलने पर गाँव के कुछ युवकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं दो दिन पहले भी दिव्य रोशनी देखने पर लवन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची थी और लोगों से तालाब में ना जाने की अपील की थी, लेकिन तालाब के आसपास बड़ी संख्या में लोग रोशनी देखने पहुंच रहे हैं। अच्छा, कल वो रोशनी फिर से दिखाई दिया था, इसीलिए इकट्ठे हुए गाँव के लोग, फिर से दिखेगा तो देखेंगे ऐसा करते। कितने बजे रात को दिखाई दिया? कल 11 बजे। कौन कौन देखा था? दोनों भाई अच्छा हो है पूरा। कल लड़का फिर जलवा दिखे है, दो जहाँ लड़का मन तो बताइ गाँव में फोन भी करी तो 11 बजे रात के फोन करे को सब सो गए लड़का मन नाचा दिखे चाहे जलवा। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयासरता अखिल मानिकपुरी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अखिल, तालाब के बीच में आधी रात को इस लाइट को देखने के बाद में, इस रोशनी को देखने के बाद में बिलाईगढ़ में किस तरीके का माहौल बन रहा है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कोई इसे दिव्य शक्ति भी मान रहा है। जी बिल्कुल महोदया, के अंतर्गत जहाँ पर वहाँ पर सामने आया था, जिसके दौरान ग्रामीण लोग वही उसके बाद दो दिन बाद फिर वहाँ पे प्रकाश रोशनी तीन प्रकार की रोशनी आई, जिससे ग्रामीणों का ये भी कहना है की जो माना जा रहा है जिससे आराधना करने के लिए पूजा पाठ करने के लिए भी ग्रामीणों में कहीं ना कहीं बात किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग तो जो भी रोशनी देखकर वहाँ पर भीड़ उठने लगा ताकि उसको दर्शन करने के लिए, वही लवन पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और साफ तौर पर कहना है कि पानी के अंदर किसी प्रकार कोई व्यक्ति न जाए ताकि किसी प्रकार की घटना न हो। और कब से कब तक के बीच में ये रोशनी देखी जाती है अक्सर? जी अक्सर ये रात 9 बजे 3 बजे तक देखी जा रही है, लगातार 2 से 3 दिन तक ये निकला था। और जैसे रात होते जा रहा है रोशनी के प्रकाश बढ़ती जा रही है। कोई अमला क्या इस रोशनी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा? कोई वैज्ञानिक इस रोशनी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा? क्या तर्क क्या निकाला जा रहा है इसके पीछे? अभी तक किसी प्रकार के प्रशासन या अमला वैज्ञानिक किसी प्रकार का वहां पर नहीं पहुंचा रहा है। वहां पर सिर्फ ग्रामीणों को यह कहना है कि इसको दिव्य रोशनी मानकर किसी देव या देवी का स्वरूप माना जा रहा है और पूजा अर्चना करने की बात कही जा रही है। चलिए आपको रोकने चाहेंगे इस वक्त, हमारे साथ फोन लाइन पे स्थानीय रहवासी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी आपने क्या इस रोशनी को देखा? जी आपने क्या देर रात तालाब के बीच में इस रोशनी को देखा? मैं देखा हूँ, मेरे सभी लोगों ने देखा है। जी तो गांव में किस तरीके का माहौल है, क्या माना जा रहा है इस रोशनी के पीछे? चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए उपेश जी। और लगातार अखिल भी जुड़े हुए हैं। अखिल, इस रोशनी के बाद में क्या माहौल गांव में देखा जा रहा है? रोशनी को देखने के बाद गांव ग्रामीणों को सिर्फ यही कहना है कि इसको देव माना जा रहा है, जो रोशनी है उसको देव माना जा रहा है, लगातार इसकी आराधना पूजा में पूजा करने की बात कही जा रही है। और ग्रामीण के आस पास के जो क्षेत्र है 8 से 10 गाँव की, उस रोशनी के दर्शन के लिए रात में भीड़ लग जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिल।